हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी सी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड टूडे वी विल लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टर्म ओके आई रेकमेंड यू शुड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस क्लास ओके स्पीड एंड वेलोसिटी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो टर्म डिफरेंशिएशन यूज किया था वही आप आज यूज करेंगे ठीक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम फाइंड करेंगे तो वहां डिफरेंशिएशन यूज होगा सो so, आपको पहले डिफरेंशिएशन जान लेना जरूरी है एंड उसके बाद में हम ये कॉन्सेप्ट इजिली कर पाएंगे ठीक है सो लेट इज स्टार्ट आवर टू डेज क्लास स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो एज यू वी ऑल नो अबाउट द मोशन मोशन इज अ चेंज इन position विथ टाइम but how fast is change in position with time and in what direction? ठीक है means आपको ये पता है कि मोशन क्या होता है मोशन का मतलब होता है कि टू पॉइंट्स अगर आप ले टू positions ले तो उनमें चेंज ठीक है विथ टाइम अगर आपने पॉइंट ए लिया एंड पॉइंट बी लिया ठीक है इसका position एक्स वन है इसका एक्स टू है देन टाइमिंग टी वन एज वेल एज टी टू है ठीक है तो इसका आप मोशन निकाल सकते हैं पॉइंट ए से बी अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है मोशन करता है तो इसे आप पोजीशन में चेंज विथ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है बट आपने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया ठीक है आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए मीन्स पोजीशन में चेंज तो हो रहा है बट कितना फास्ट चेंज हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर पॉइंट पे जा रहा है तो वो कितना फास्ट जा रहा है विथ टाइम यही आपको स्पीड देगा ठीक है इसी कॉन्सेप्ट को आपको स्पीड के कॉन्सेप्ट में समझना है स्पीड एंड वेलोसिटी के केस में समझना है ठीक है कि कितना ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है ठीक है फास्ट ट्रेवल कर रहा है यही आपको स्पीड में बताया जाएगा ठीक है क्लियर है एंड किस डायरेक्शन में अगर आप ओनली ऑब्जेक्ट को मोशन करवा रहे हैं और ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेक कर रहे हैं कि कितना फास्ट है तो ये आपका स्पीड होगा बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अगर एड हो जाए तो उस केस में आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ओके okay, चलिए अब स्पीड एंड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करके हम वन बाय वन इसे क्लियर करते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड ठीक है एंड देन

हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया है सो so अगर आपको ये दोनों टर्म का मीनिंग समझना है देन आप फर्स्ट लेक्चर देखिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड इज इज स्केलर क्वांटिटी ठीक है स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है ठीक है मीन्स स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वेर एज वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है ये आपका स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है ठीक है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड द वैक्टर क्वांटिटी ओके एंड स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट्स की बात करें सो so, यूनिट्स दोनों की सेम होती है ठीक है मीटर पर सेकेंड या फिर आप इसको मीटर किलोमीटर पर आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है किलोमीटर पर आर ठीक है और यहां पर भी यूनिट सब सेम होगी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर ओके एंड अगर आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में जाना है ठीक है मीन्स कोई क्वांटिटी है जो किलोमीटर पर आर में आपको दी गई है ठीक है अब उसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो क्या करेंगे तो आपको करना है उस क्वांटिटी में किलोमीटर पर आर की क्वांटिटी में फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करना है ठीक है अब इससे आप कैसे समझेंगे सो किलोमीटर होता है मीटर में चेंज करना होता है तो वन थाउजेंड मीटर होगा ठीक है किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे एंड आर को सेकंड में चेंज करेंगे तो सिक्सटी इंटू सिक्सटी ठीक है सिक्सटी मिनट एंड अगेन सिक्सटी से मल्टीप्लाई तो सिक्सटी सेकंड हो जाएगा तो उसको कटापिटी टर्म करके आपका फाइव बाई एटीन आएगा तो सिंपली आप याद रखिए कि अगर बड़ी क्वांटिटी मीन्स किलोमीटर से मीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपकी छोटी क्वांटिटी आएगी ठीक है तो ये आपका यूनिट uh, हुआ ठीक है अब स्पीड और के केस में हम टू केसेस देखेंगे ठीक है एवरेज हम देखेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी में भी सेम केस एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है सो वन बाय वन हम पहले एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर चलिए फर्स्ट आपका एवरेज स्पीड ठीक है एवरेज स्पीड क्या होता है तो एवरेज स्पीड एंड स्पीड सिमिलर ही है ठीक है ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एवरेज एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में हम एवरेज इस तरह से डिनोट करते हैं एंड एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है आपका वही रहता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है इसे आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्लियर एंड यहाँ इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी ठीक है स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट भी सेम ही है मीटर पर सेकेंड बट यहाँ एक डिफरेंस है एक इम्पोर्टेंट थिंग एड हो जाती है और वो ये है कि एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है ये नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती है ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है ठीक है अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की ओके एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं आप एक एग्जांपल ले लें ठीक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम ही टर्म है बट इसमें डायरेक्शन का मैटर हो जाता है ठीक है डायरेक्शन यहाँ एड नहीं होता है और वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन एड हो जाता है ठीक है तो सपोज आपने एक एग्जाम्पल लिया आप ये पॉइंट ए है ठीक है ये आपका होम है ये आपका हाउस है एंड दिस इज पॉइंट बी यहाँ आपका स्कूल है अब आपको पॉइंट ए से आपके घर से आपको स्कूल तक जाना है ठीक है तो आपकी स्पीड कभी हाई हुई कभी लो हुई ठीक है आप कभी स्लो चले कभी फास्ट चले मीन्स स्पीड में चेंज हुआ आपका ठीक है तो ओवरऑल आपका घर से स्कूल तक का एवरेज निकालें ठीक है एवरेज स्पीड निकालें ठीक है मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दें तो वहां आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा क्लियर है एवरेज का जो मीनिंग है वो आपका ओवरऑल टर्म या ओवरऑल वैल्यूज लेनी है आपको एवरेज में ठीक है बट यहाँ इंस्टेंटेनियस के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है वो हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ठीक है थीके? अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ओके okay, अब एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ आपका एवरेज स्पीड से सिमिलर है डायरेक्शन एड हो जाता है ठीक है एवरेज स्पीड को बेसिकली हम वी बार से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसका साइन इस तरह से भी होता है ठीक है तो ये एवरेज का साइन है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइम टेकन ठीक है डिस्प्लेसमेंट मीन्स सपोज आपने पॉइंट ए और बी ले लिया इसका पोजीशन आपका एक्स वन है सेकेंड का पोजीशन आपका एक्स टू है टाइमिंग टी वन एंड टाइम यहां टी टू है ठीक है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपके घर से स्कूल का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन ठीक है एंड टाइमिंग में डिफरेंस टाइमिंग टी टू स्कूल का है फाइनल टाइमिंग टी टू एंड इनिशियल टाइमिंग टी वन है ठीक है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सो डिस्प्लेसमेंट वी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिसप्लेसमेंट क्या हुआ है यहाँ एक्स टू माइनस एक्स वन फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है एंड टाइमिंग इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन और इसे ही डिफरेंस को ही आप फिजिक्स में डेल से डिनोट करते हैं ठीक है डेल इक्वल्स टू द डिफरेंस ठीक है डेल जो आप साइन यूज करते हैं वो किसका होता है डिफरेंस का सो डेल एक्स अपॉन डेल टी इसे ही आप क्या कहते हैं एवरेज वेलोसिटी ओके डेल एक्स बाय डेल टी क्लियर एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन भी होगा तो डायरेक्शन जो होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ओनली टू डायरेक्शन हम इस चैप्टर में चैप्टर थ्री में हम वेक्टर जो है पूरा जो बेसिक है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में हम ओनली टू डायरेक्शन कंसिडर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन ओके सो एवरेज वेलोसिटी के केस में भी डायरेक्शन टू होंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी एंड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन होगी ठीक है मीन्स कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होगा तो so सपोज आपने ये आपका इनिशियल पॉइंट है मीन्स यहाँ से आप चलना स्टार्ट करें ठीक है अब अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ ठीक है एंड इसके अगेंस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आपका नेगेटिव हुआ ठीक है नेगेटिव एक्स एक्सिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन सो दिस इज द वैक्टर क्वांटिटी ओके एंड नेक्स्ट वन इज यूनिट सो यूनिट विल बी सेम ठीक है मीटर पर सेकेंड ठीक है पर सेकेंड में कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में तो ये आपका क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में एक और पॉइंट आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है ठीक है नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है क्यों क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे ठीक है बट एवरेज स्पीड जो है वो डिपेंड करती थी डिस्टेंस पे और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है इसीलिए एवरेज स्पीड पॉजिटिव रखा है ठीक है बट एवरेज वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है ठीक है ओके सो यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी आपकी जीरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों हो सकती है क्लियर है सो ये आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है आई होप आपको ये क्लियर हुआ है अब हम ग्राफ के थ्रू एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं ओके okay, अभी हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की अब एवरेज वेलोसिटी को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है सो so, आपके पास ये ग्राफ है एवरेज वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो होता है एवरेज वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल टी ठीक है मीन्स पोजिशन में चेंज विथ टाइम तो पोजिशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ है जो स्लोप है वही वेलोसिटी को शो करेगा एवरेज वेलोसिटी को शो करेगा ठीक है सो आप एक्स एक्सिस पे टाइम टाइम ले लें ठीक है टाइम सेकेंड में एंड वाई एक्सिस पे आप पोजिशन ले लें ठीक है या डिस डिसप्लेसमेंट ले लें एक्स और ये मीटर में ओके अब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं जीरो से ठीक है टाइमिंग हम टू सेकेंड ले लेते हैं फर्स्ट टू फोर सिक्स एट एंड टेन सेकेंड ले लिया ओके एंड हियर फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ठीक है फाइव का रेशियो ले लिया फाइव का डिफरेंस ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट में अब क्या किया एक स्लोप है आपके पास इस तरह का कोई स्लोप है उसमें हमने टू पॉइंट्स कंसिडर किया कौन से टू पॉइंट्स कंसिडर किए आपने इस तरह से ये आपका फर्स्ट पॉइंट P है जो कि X की जो पोजीशन है वो है फोर सेकेंड ठीक है ये टाइमिंग का एक्सेस है सो फोर सेकेंड इसके लिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हुए X के कोऑर्डिनेट जो हैं वो फोर एंड Y के लिए फाइव क्लियर नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं Q ठीक है इसी पर हम पॉइंट क्यू कंसीडर करते हैं सो so, ये आपका पॉइंट क्यू है ठीक है जो कि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसका वो एट एंड वाई एक्सिस के लिए ट्वेंटी फाइव अब आपको इस केस में क्या फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका वी इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है एंड अपॉन टी टू माइनस टी वन सो एक्स टू मीन्स फाइनल पॉइंट ये है आपका ठीक है ये आपका फाइनल पॉइंट है ये आपका इनिशियल पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप इसीलिए टाइमिंग फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को शो कर रहा है सो टाइम टी टू एंड वाई एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है सो एक्स टू ले लें ठीक है अब यहां पर भी सिमिलरली आप एक्स एक्सिस के लिए टाइमिंग टी वन ले एंड वाई एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स वन ले लें क्लियर अब एक्स टू की जो वैल्यू है वो क्या है ट्वेंटी फाइव ओके सो ट्वेंटी फाइव एंड एक्स वन के लिए फाइव ओके टी टू क्या है एट एंड टी वन इज फोर सो एट माइनस फोर सो ये हुआ आपका ट्वेंटी अपॉन फोर एंड फोर फाइव ट्वेंटी ठीक है मीटर पर सेकेंड ये आपका एवरेज वेलोसिटी आई इस केस में ठीक है इस आपके ग्राफ के केस में आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया अब आपने बोला एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है तो इस केस में आपका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस में है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव होगी ठीक है सो पॉजिटिव फाइव मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी मिली अब हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ठीक है ये वेलोसिटीज को ग्राफ में किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं सो so, पॉजिटिव के लिए आप एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइमिंग ग्राफ लें ये आपका पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमेशा ग्राफ इस तरह से प्लोट होगा ठीक है इस तरह से एंड फॉर नेगेटिव ग्राफ विल बी लाइक दिस इस तरह से अगर ग्राफ मिले तो वो क्या है नेगेटिव एक्सेस के लिए तो वो आपका नेगेटिव वैल्यूज देता है ठीक है नेगेटिव वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करता है एंड दिस वन इज एक्स एंड टी के बीच में अगर इस तरह से ग्राफ हो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपके उस केस में कांस्टेंट है जीरो है ठीक है सो ये आपके ग्राफ के थ्रू आप वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के कैसे डिफाइन करते हैं वो चीजें आपने देखी अब आप एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियरली समझते हैं ठीक है एग्जांपल लिया आपने इनिशियली आप जीरो पर खड़े हैं ठीक है मतलब ये वाला जो पोजिशन है आपका ज़ीरो है अब यहाँ से आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस आपने जो भी ट्रेवल किया है वो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही ले रहे हैं ठीक है अब यहाँ डिफरेंस हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो मीटर में ठीक है फोर्टी एटी वन ट्वेंटी फोर्टी का डिफरेंस ले रहे हैं सभी जगह वन सिक्सटी टू हंड्रेड टू फोर्टी टू एटी थ्री ट्वेंटी एंड थ्री सिक्सटी ले लिया ठीक है अब ये वाला जो पॉइंट है इससे हमने P कंसीडर कर लिया ठीक है एंड एंड टू फोर्टी वाला जो पॉइंट है ये हमने Q कंसीडर कर लिया अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप O टू P जाते हैं मीन्स आप सपोज कर लें कि यहाँ पर आपकी एक कार खड़ी है ठीक है ये इस तरह से कार बना दिया आपने और कार ट्रैवल कर रही है ओ टू पी एंड पी टू क्यू सो ओ टू पी कार को ओ से पी तक जाने में पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जाने में जो टाइमिंग लगा है वो हम सपोज करते हैं एटीन सेकेंड है ठीक है एंड पी टू क्यू जाने में ठीक है पी से पॉइंट पी से क्यू तक कार ने ट्रैवल किया तो उस टाइम उसका जो टाइमिंग है वो सिक्स आपको इस केस में बताना है टू केसेस हैं आपके पास जब कार ओ टू पी ट्रैवल करती है देन आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है एंड जब कार ने ओ टू पी एंड देन रिटर्न हो गई पी से क्यू उस कंडीशन में आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को फाइंड करना है ठीक है तो हम फर्स्ट केस देखते हैं हमारा फर्स्ट केस है जब हम ने कार को ओ टू पी ट्रेवल किया मीन्स पॉइंट ओ से पी तक कार ट्रेवल हुई उस केस में हम एवरेज स्पीड देखते हैं एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ठीक है तो यहाँ डिस्टेंस क्या हुआ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ओ टू पी थ्री सिक्सटी मीटर थ्री सिक्सटी मीटर और ओ से पी तक गए आप तो आपका जो टाइमिंग है टोटल टाइमिंग है वो है एटीन सेकेंड ठीक है सो यहां पर एटीन सेकेंड सो इससे थ्री सिक्सटी मीटर में एंड एटीन सेकेंड में सो so, आपका जो एवरेज स्पीड आई वो आई टू मीटर पर सेकेंड ठीक है ये आपका क्या आया एवरेज स्पीड और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगी और स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है पॉजिटिव नेगेटिव हो, हो सकती है बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव नाउ एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ठीक है सो ओ टू पी डिस्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट सो फाइनल पॉइंट आपका जो है वो पी है और पी पर लेंथ या डिस्टेंस कितना है 360 तो so, 360 और इनिशियल आपका जीरो तो so, यहाँ जीरो पुट कर दीजिए टाइमिंग क्या है टोटल जो टाइम है यहाँ से ओ से पी तक पहुँचने का जो टाइमिंग है वो क्या है 18 ओके okay. और आपने जीरो से स्टार्ट किया मीन्स टी इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया इनिशियल टाइम तो जीरो ही है सो टीन माइनस जीरो सो ये आपका टर्म आया ये आपका जो वैल्यू आई दैट इज यहाँ एटीन ट्वेंटी ठीक है सो ये ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये आपका पॉजिटिव वैल्यूज ठीक है मींस पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी आई सेम आई देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी सेम आई कब किस केस में जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ठीक यहाँ थ्री सिक्सटी है एंड हियर ऑल्सो थ्री सिक्सटी तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल है तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम होगी इक्वल होगी ओके अब हम सेकेंड केस देखते हैं केस ए एंड केस बी कंसिडर कर लेते हैं अब बी केस में क्या होता है हम ओ टू पी गए एंड पी से हमने रिटर्न ले लिया क्यू पर ठीक है तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है टोटल टाइम सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 360 सिक्सटी एंड पी टू क्यू का डिस्टेंस क्या होगा 40 40 एंड 40 40 का डिफरेंस है ठीक है सो वन ट्वेंटी एंड टाइमिंग क्या हुआ टोटल सो ओ टू पी आपका 18 सेकेंड हुआ एंड पी से क्यू 6 सेकेंड सो so, टोटल 18 प्लस 6 सेकेंड हुआ क्लियर ये आपका हुआ 480 एटी अपॉन ट्वेंटी सो यू गेट 20 मीटर पर सेकेंड केस में भी 20 मीटर पर सेकेंड हुआ एवरेज स्पीड आई ठीक है अब नेक्स्ट केस है आपका एवरेज वेलोसिटी ठीक है एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बट यहां केस डिफरेंट है ओ टू पी एंड पी टू क्यू सो आपका फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा आप क्यू ठीक है और इनिशियल पॉइंट तो आपने जहां से स्टार्ट किया मींस ओ से स्टार्ट किया सो so, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फो टू फोर्टी माइनस ज़ीरो एंड टाइमिंग क्या होगा तो टाइमिंग जो टोटल टाइम है मीन्स वो टू पी एंड पी टू क्यू टोटल टाइम आपका कितना है ए एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर ठीक है एंड इनिशियल टाइम कितना है आपका जीरो सो ट्वेंटी फोर माइनस ज़ीरो सो टू फोर्टी अपॉन ट्वेंटी फोर तो ये आपका हुआ टेन या पॉजिटिव है ठीक है टेन मीटर पर सेकेंड क्लियर है सो यहां पर आप देखेंगे इस केस में एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन एवरेज स्पीड ठीक है सो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी में अगर आप कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो ये आपने इन इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये ऑब्जर्व किया कि एवरेज स्पीड इक्वल भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के किस कंडीशन में जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है एंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल ठीक है कभी भी एवरेज स्पीड लेस नहीं हो सकती एवरेज वेलोसिटी के तो ये दोनों केसेस से हम कंक्लूड करते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी आई आपकी ठीक है सो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी ओके एंड इट इज द ग्रेटर और इक्वल टू वन ठीक है तो इस तरह का रिलेशन आपको एग्जाम में आ सकता है तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंट टेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी ठीक है तो हम दोनों के लिए कॉमन ही बात करेंगे स्पीड हो या वेलोसिटी हो कॉमन ही बात करेंगे बस आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है ओनली एंड वेलोसिटी में ओनली डायरेक्शन होता है इंस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने के लिए वही हमने जो एवरेज वेलोसिटी के केस में एग्जांपल लिया था ये आपका हाउस है ठीक है पॉइंट ए पर और ये आपका स्कूल है ठीक है ये आपका हाउस एंड दिस इज योर स्कूल अब आप घर से स्कूल तक जा रहे हैं तो ओवरऑल जर्नी में आप का जो स्पीड है वो फास्ट कभी फास्ट होगा कभी स्लो होगा तो आप ओवरऑल या एवरेज एक पर्टिकुलर एवरेज क्या दे सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी दे सकते हैं बट किसी ने आपसे पूछा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप स्पीड एंड वेलोसिटी बताइए ठीक है मीन्स अगर आपको टोटल जो टाइम है वो आपने डिवाइड कर दिए जैसे वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड फाइव सेकेंड सिक्स सेकेंड इस तरह से डिवाइड कर दिया तो टोटल ओवरऑल आपको ऐड करके डिवाइडेड बाय टाइम करना है ठीक है टोटल डिस्टेंस को ऐड करके डिवाइडेड बाय टाइम करना है बट इंस्टेंटेनियस के केस में काफी छोटे टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है ठीक है मीन्स आप को पूछा है आपको क्वेश्चन किया गया है कि आप बताइए जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड पे आपकी स्पीड क्या होगी ठीक है तो वो जो छोटे से छोटा टाइमिंग लेते हैं वही जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी में आता है ठीक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के, के केस में टाइम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल ठीक है टाइम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल बहुत कम होता है टाइमिंग बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है टाइम ठीक है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप इस तरह से डिनोट करते हैं किस तरह से आप v इंस्टेंटेनियस लिखते हैं पहले तो ठीक है v इंस्टेंटेनियस और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या स्पीड है ये आपने ये कैसे फाइंड होगी तो मैंने क्या कहा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लेना है आपको तो टाइम अप्रोक्स आपका जीरो होना चाहिए ठीक है उस केस में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी एंड वेलोसिटी या स्पीड होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है ये अब काफी ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस के लिए या काफी ज्यादा स्मॉल टाइमिंग के लिए फिजिक्स में डी या डिफ्रेंशिएशन टर्म यूज करते हैं ठीक है डी टी ठीक है ये जो डेल्ट टी है ये आपका एवरेज है बट डीटी है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैल्यू है ठीक है तो डीटी टाइम के लिए आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी काफी छोटा होगा तो इसे आप डीएक्स कहेंगे सो वी इंस्टेंटेनियस जो है वो आपका होता है डी एक्स बाई डी टी क्लियर डिफ्रेंशिएशन और आपने डिफ्रेंशिएशन के टर्म में यह भी सीखा था कि डीवाई बाई डी एक्स ये क्या शो करता है ये शो करता है स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ ठीक है वाई वर्सेस एक्स ग्राफ में जब आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो उसे इस तरह से आप डिनोट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ ठीक है यहां वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की जो स्लोप है उसे आप इस तरह से डिनोट करते हैं तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ की जो स्लोप है उसे आप डीएक्स बाई से ग्राफ शो करते हैं और उसी को बोलते हैं वेलोसिटी उसी को क्या बोलते हैं वेलोसिटी तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर स्लोप निकालें x और t के बीच में मीन्स पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट के बीच में टाइम के बीच में स्लोप फाइंड करें तो स्लोप आपको क्या देगा वेलोसिटी देगा ठीक है इस तरह से जैसे आपने ग्राफ के थ्रू आप एक एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर ठीक है मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो t पर डिपेंड करती है अब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को आप इन वैल्यूज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे ठीक है इन वैल्यूज़ के थ्रू आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे सपोज हमने हमारा इनिशियल पोजिशन जो है इनिशियल टाइमिंग टी जीरो पर पोजिशन जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ ठीक है इस केस में जब आपने टाइमिंग वन ले लिया मीन्स टी के प्लेस पे वन रखें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वन वन का स्क्वायर वन जब आप टी की वैल्यू टू सेकेंड ले लें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी फोर ठीक टी थ्री ले लें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन तो अब इस सिचुएशन को आप ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं तो देखिए ग्राफ हमने प्लॉट किया है एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट मीटर में लेंगे ठीक है एक्स वर्सेस टी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया टाइमिंग के बीच में ठीक है इनिशियली आपका जीरो वन टू एंड थ्री सेकेंड ले लिए टाइमिंग अब यहाँ पर हमने टू फोर सिक्स एंड एट मीटर ले लिया अब ये जो ग्राफ है टाइम जीरो पे ज़ीरो मीन्स ये इनिशियल पॉइंट है आपका टाइमिंग वन पर एक्स जो है वो वन होगा तो यहाँ इस कंडीशन में ये आपका सेकंड पॉइंट आएगा टाइमिंग टू पर पोजीशन फोर है टाइमिंग टू पर पोजीशन फोर है टाइमिंग थ्री है थ्री सेकंड पे ये नाइन है तो इस तरह से आपका एक ग्राफ प्लॉट होगा ये कर्व होगा आपका इस वैल्यूज के लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लोप के इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें और थीटा कंसीडर करें थीटा निकालें ठीक है एक्स एक्सिस से ही निकालते हैं हमेशा हम एंगल तो थीटा इस पॉइंट पर इस पॉइंट पॉइंट पी पर थीटा लें और पॉइंट क्यू पर क्यू पर वैल्यूज जो है वो थीटा की फाइंड करें तो यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि थीटा धीरे धीरे इंक्रीज होगा ठीक है थीटा की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगा ओके तो स्लोप क्या होता है तो स्लोप हमने ये सीखा है स्लोप जो है वो होता है टेन थीटा ठीक है वो क्या होता है टेन थीटा और टेन थीटा ही है स्लोप ही है डी एक्स बाई डी टी अब इस केस में जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी तब टेन थीटा भी इंक्रीज होगा क्योंकि टेन थीटा थीटा के साथ इंक्रीज होता है टेन थीटा इंक्रीज होगा तो आपका स्लोप भी इंक्रीज होगा ठीक है स्लोप भी इंक्रीज होगा और स्लोप इंक्रीज हुआ मीन्स डी एक्स बाई डी टी ये भी इंक्रीज होगा और डी एक्स बाई डी टी यही क्या है आपका वेलोसिटी यही क्या है आपका वेलोसिटी सो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा ठीक है सो so, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डी एक्स बाई डी केस में अगर आप वेलोसिटी निकालें इस ग्राफ के थ्रू तो आपने एक्स इज इक्व टू टीवे और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के थ्रू आपने वेलोसिटी को फाइंड किया है बट आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो यूज करके इसे किस तरह से फाइंड करेंगे आपको गीवन है एक्स इज इक्वल टू टी स्क् आपको इस फॉर्मूले के थ्रू वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपने सीखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो ये होता है डी एक्स बाई डी एक्स के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है टी स्क्टी और यहां टी हो जाएगा टी स्क्र का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं सो टू टी तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई अब देखें टाइमिंग आपने ज़ीरो ले लिया अगर टाइम ज़ीरो लें तो ज़ीरो के केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी टाइम आपने ज़ीरो ले लिया तो ज़ीरो केस में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ठीक है डी की वैल्यू को अगर जीरो पुट करें तो यहाँ ज़ीरो टी इज इक्व टू वन सेकेंड ले लें सो वन सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी टू हो जाएगी टी इज इक्व टू टू सेकेंड ले लें सो टू सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी टी इज इक्व टू थ्री सेकेंड ले लें ठीक है ये सेकेंड में सो वी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिक्स मीटर पर सेकेंड ये क्या है आपकी यूनिट मीटर पर सेकेंड तो आप इस कंडीशन में देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है ठीक है थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस तरह से आप स्लोप के थ्रू और वैल्यूज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी को ठीक ओके आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन पर बात करेंगे टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू थैंक यू सो मच